ये काफी ज्यादा यहाँ पे भी भीड़ है, आप देख सकते हैं। यहाँ जो है ये मंदिर जो है बहुत प्राचीन मंदिर है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे फिर से न्यू ब्लॉग में। दोस्तों आज सोमवार है और दोस्तों आज हम लोग जा रहे हैं एक बहुत ही ज़्यादा फेमस शिव मंदिर में, जो कि पूरे मिथिलांचल में काफ़ी ज़्यादा फेमस है, साथ ही नॉर्थ बिहार में भी ये फेमस है। तो दोस्तों आज हम लोग जा रहे हैं सिंहेश्वर शिव मंदिर, जो कि मधेपुरा, जो कि बिहार के मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। और दोस्तों ये शिव मंदिर जो है काफ़ी ज़्यादा फेमस है, ऐसा माना जाता है कि इस जगह पर सिंहेश्वर में जो है भगवान विष्णु ने खुद जो है यहाँ पर शिवलिंग का स्थापना किया था, इसीलिए काफ़ी ज़्यादा मान्यता है इस शिव मंदिर का, और काफ़ी ज़्यादा भक्तजन जो है इसमें पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। चलिए देखते हैं क्या कुछ सीन है। तो आज मेरे साथ जा रहे हैं अमन चाचा जी और हम लोग इसी बाइक से चलेंगे, और ये जो है NH 106 है। ये NH 106 के साइड में ही ये सिंहेश्वर शिव मंदिर पड़ता है, और यहाँ से जो है सिंहेश्वर शिव मंदिर का दूरी जो है लगभग 50 किलोमीटर, लगभग यहाँ से लगभग जो है शिव मंदिर का, यहाँ से सिंहेश्वर शिव मंदिर का दूरी है। और हम लोग अपने घर से अभी जो है यहाँ तक का जो दूरी तय किए हैं वो लगभग 20 किलोमीटर हम लोग यहाँ तक का दूरी तय किए हैं, और लगभग 50 किलोमीटर और यहाँ से दूरी तय करेंगे। तो फाइनली सिंहेश्वर पहुँच चुके हैं, आप देख सकते हैं ये गाड़ी के लिए स्टैंड बनाया गया है रखने के लिए। इधर आप देख सकते हैं, आपको पूरा इधर गाड़ी दिखाई दे रहा होगा, और ये अपना गाड़ी है, और वहाँ पे जो है वहाँ पे टिकट लेना है पीछे में, यहाँ पे वहाँ पे बाइक के लिए टिकट लेना है, काफ़ी ज़्यादा काउंटर है। तो चलिए वहाँ पे टिकट लेते हैं फिर चलेंगे मंदिर। तो अपना बाइक का ये देख सकते हैं टिकट ले लिए हैं, ये आप देखिए। और इस टिकट का प्राइस जो है 30 रुपीज़ जो है पड़ा है, 30 रुपया इस टिकट का प्राइस पड़ा है। और शूज वूज खोल के डिक्की में रख दिए हैं, और अब हम लोग चलते हैं मंदिर। तो चलिए देखिए आप इधर कितना सारा बाइक लगा हुआ है, आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा बाइक लगा हुआ, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। इधर से हम लोग आए हैं और इधर से हम लोग निकलेंगे। तो अभी हम लोग काफ़ी ज़्यादा सुबह आए, मॉर्निंग में आए हुए हैं, तो अभी धीरे धीरे और जो है भीड़ यहाँ पर बढ़ेगा। ये पोखर है, इसी पोखर में जो है भक्तजन जो है जल लेते हैं, और भगवान शिव को जो है यहीं से जल लेके जाते हैं और भगवान शिव को चढ़ाते हैं। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा भीड़, आप इधर देखिए, इधर फुहारा वगैरह का व्यवस्था किया गया है, और लोग जो है यहाँ पे स्नान उस्नान करके और यहाँ पे जल लेके जाते हैं मंदिर, और भगवान शिव को जो है जल चढ़ाते हैं। आप देखिए कितना लंबा लाइन लगा हुआ, यहाँ से लाइन जो है स्टार्ट होता है, इधर से लाइन स्टार्ट होता है, और काफ़ी बड़ा लाइन जो है यहाँ पर लगा हुआ है इधर। तो आप देख सकते हैं, ये आप इधर देखिए, देखिए लाइन कितना लंबा लगा हुआ है, यहाँ से लाइन स्टार्ट है, और इधर ऐसे ऐसे होके इधर अंदर तक जो है ये लाइन जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, आप देख सकते हैं। ये हम ले चुके हैं, इसमें अभी हम लोग जो है जल भरेंगे, जल लेते हैं और फिर चलिए पूजा करते हैं। फूल और जल लेके हम लोग लाइन में लग चुके हैं, आप देख सकते हैं कितना लंबा लाइन लगा हुआ है, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अगर आप देखिए काफ़ी ज़्यादा लंबा लाइन लगा हुआ है, और मंदिर तक जाने के लिए हम लोग को कितना वेट करना पड़ेगा, आप देखिए कितना टाइम लगता है। इधर आप देखिए कितना लंबा लाइन लगा हुआ है पीछे में भी, और आगे आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं, मतलब। फाइनली अब हम लोग पंडाल में प्रवेश कर चुके हैं, आप देख सकते हैं इधर देखिए लाइन जो है, इधर ये सांप की तरह जो है घूम घूम के जाना पड़ता है। इधर देखिए पहले उस लाइन में, फिर आगे में जाके वहाँ पर जो इधर घूमना है, और फिर इधर से आना है, और फिर जो आगे में जाके, मतलब पूरे सांप की तरह घूम घूम के जाना पड़ता है। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना ज़्यादा भीड़ है, और अभी आप देखिए काफ़ी इधर कितना ज़्यादा भीड़ है। फाइनली पूजा वूजा करके हम बाहर आ चुके हैं, आप देख सकते हैं अंदर में बहुत ज़्यादा भीड़ रहने के कारण से मैं आप लोगों को अंदर का सीन जो है नहीं दिखा पाया, क्योंकि अंदर में काफ़ी ज़्यादा भीड़ था, जिसके कारण से मंदिर में, मेन मंदिर में जो है
हर पूजा करने के लिए नहीं दिया जा रहा था। मंदिर के गेट पे ही दो गेट पे ही जो वहाँ पे व्यवस्था किया गया था कि वहीं पे पूजा आप वहीं पे पूजा करना है और जल जो और फूल जो है वो वहाँ पे जाके जो मेन जो भोला बाबा शिवलिंग है वहाँ पे जाके वहाँ पे चल जाके चढ़ जाता था वो व्यवस्था किया गया था। तो आप देख सकते हैं क्या काफ़ी ज़्यादा भीड़ है इधर, आप देख सकते हैं काफ़ी लंबा लाइन लगा हुआ है इधर और उधर उधर बहुत दूर तक जो है लाइन लगा हुआ है। और श्रद्धालु संघ को अगर किसी तरह की समस्या होती है उसके लिए प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए एम्बुलेंस उसकी सेवा में यहाँ पे लगा हुआ है। और जो है और कुछ आप सीन देख सकते हैं इधर जो है इधर आप देखिए इधर आप देख सकते हैं इधर दुकान वकान लगा हुआ है, आप इधर देख सकते हैं इधर दुकान वकान लगा हुआ है। और इधर आप देखिए इस साइड ये एम्बुलेंस लगा हुआ है और इस साइड ये मंदिर है। और इधर काफ़ी ज़्यादा जो है लाउड स्पीकर सब जो बज रहा है उसके कारण से हो सकता है हमारा आवाज़ भी आप लोगों तक जो है आप लोगों तक क्लियर नहीं जा रहा होगा। तो देखिए आप लोगों को और मैं दिखाता हूँ, इधर देखिए ये शरबत उरबत बना के यहाँ पे मिलता है और फूल सब इधर मिलता है और उधर भी फूल मिलता है काफ़ी ज़्यादा। यहाँ आप देख सकते हैं जो भी श्रद्धालु दूर से आते हैं और उसे अगर किसी तरह की परेशानी होती है तो उसकी सेवा के लिए यहाँ पे जो है ये बनाया गया है। यहाँ पे जो भी श्रद्धालु आते हैं और उसके साथ कोई प्रॉब्लम तो उसकी सेवा के लिए जो यहाँ पे बना हुआ और इधर प्रसाद उरसाद का दुकान लगा हुआ है। तो यहाँ पे चलिए प्रसाद लेते हैं हम लोग भी। तो इस अंकल के पास प्रसाद लिए हैं तो ये अंकल जो है इस अंकल से पूछते हैं मंदिर के बारे में। तो अंकल आप मंदिर के बारे में कुछ बताइए, इस मंदिर के बारे में क्या कुछ मान्यता है? यहाँ जो है ये मंदिर जो है बहुत प्राचीन मंदिर है, ठीक। ये कामना लिंग है और यहाँ पर जो है सिंगी ऋषि का तपोभूमि है। यहाँ पर सिंगी ऋषि का कुटिया था और महादेव का पूजा करते थे। यही सिंहेश्वर धाम जो है सिंगी ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। और जब राजा दशरथ का जो है जब पुत्र नहीं हो रहे थे यही भूमि सिंहेश्वर धाम है, बगल में सतोखर है, 7 गो पोखर खुना गया था जो सिंगी ऋषि द्वारा जो जग किया गया था, तब जाके राजा दशरथ को जो मिला था प्रसाद वो दिए थे तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जी हुए थे। वही सिंगी ऋषि के धाम पर हम लोग हैं जो सिंगी ऋषि द्वारा जो यह स्थापित कामना लिंग है बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ लाखों भक्त आते हैं, पूरे सावन के महीना में जल चढ़ता है पूरा भरपूर और भादो का मक्कर भी यहाँ लगता है 1 महीना। ये 2 महीना तक लगातार भीड़ इसी तरह चलते रहता है। चलिए ये अंकल इस मंदिर के बारे में बताए हैं। पूजा सब करके फाइनली अपने बाइक के पास आ चुके हैं और बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है जिसके कारण से मैं आप लोगों को बहुत कुछ जो है नहीं दिखा पाया। आप देख सकते हैं हमारे फेस पे, आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा पसीना हो चुका है और यहाँ पे जो हम चंदन लगाए हैं वो भी जो पूरा बिखर गया है। तो गर्मी जो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाहर कितना ज़्यादा गर्मी है, पूरा पसीना पसीना हो चुके हैं और इसी कारण से मैं आप लोगों को बहुत कुछ नहीं दिखा पाया। तो इस ब्लॉग में इतना ही रहेगा। तो अगर आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। सो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में।